सावन में देवघर, अयोध्या सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर भगवान शिव का जलाभिषेक के लिए ट्रेनों से जाने वाले कांवड़ यात्रियों के सुरक्षा और सहूलियत के लिए जीआरपी की पुलिस टीम पूरी तरह मुस्तैद है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक रेलवे अवधेश सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही कांवड़ियों के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक रेलवे अवधेश सिंह ने कहा, श्रावण मास में कांवड़ यात्रा ले जाने की पुरानी परंपरा है और जिसमें सबका केंद्र बिंदु गोरखपुर है। यहाँ से तीन तरफ विशेष रूप से दर्शनार्थियों की भीड़ जाती है। एक तो काशी विश्वनाथ और मार्कंडेय महादेव जी के दर्शन के लिए और कांवड़ यात्री जाते हैं, दूसरे देवघर के लिए जाते हैं और अयोध्या धाम के लिए भी यहाँ से यात्रियों का आवागमन जारी रहता है। एक विशेष ट्रेन देवघर के लिए चलाई जाती है, वो शाम को जाती है यहाँ से और सुबह वापस आती है। उस स्पेशल ट्रेन में विशेष रूप से स्कोर्ट की व्यवस्था रहती है, जो दर्शनार्थियों की भीड़ शाम को यहाँ ज़्यादा रहती है तो उस समय प्लेटफार्म पर ड्यूटी हमारी विशेष रूप से सतर्क रहती है। वैसे हर स्टेशनों पर क्यूआईटी की व्यवस्था है, शादे में भी हमारी ड्यूटियाँ रहती हैं और जो भी यात्रीगण जाते हैं दर्शनार्थी कांवड़ यात्री उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया गया है। करीब कितने की संख्या में कांवड़ यात्री देखे जाते हैं? अब सामान्य दिनों में तो यात्रियों की संख्या कम रहती है, लेकिन शनिवार रविवार को यात्रियों की संख्या विशेष रूप से देवघर के लिए बढ़ती है, तो उस पर विशेष सतर्कता रखी है।